हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि समन कोर्ट के द्वारा कितने बार विपक्षी पार्टी को भेजा जा सकता है और एक पक्ष आदेश कब जारी होता है। तो दोनों ही स्थितियों में बात करूंगा। पहले तो ये स्थिति में बात करूंगा कि समन जब भेजते हैं विपक्षी पार्टी को और समन तामील नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, और यदि संबंध तामील हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है। फिर मैं एक पक्ष आदेश यानी एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। तो इन पहलुओं को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि संबंध जब कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है और संबंध तामील नहीं होता है तो फिर क्या होता है उस स्थिति में। फ्रेंड, जब किसी पार्टी के द्वारा कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है, प्लेंट फाइल किया जाता है, तो प्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट का ऑर्डर होता है कि विपक्षी पार्टी को संबंध तामील करवाएं। संबंध तामील करवाने के लिए जिस पार्टी ने सूट फाइल किया है उनके एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में प्रोसेसिंग फीस फाइल किया जाता है, पीएफ फाइल किया जाता है। पीएफ फाइल करने के बाद कोर्ट के द्वारा संबंध बनाया जाता है, फिर उस संबंध को आप तामील करवाते हैं, यानी जिस जो को सूट डाला है उसके एडवोकेट के द्वारा उस संबंध को विपक्षी पार्टी को तामील करवाना पड़ता है। तो वो आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, तो इस सब तरीके से मोड से आप संबंध तामील करवा सकते हैं। जब विपक्षी पार्टी के यहां संबंध गया, वो यदि संबंध ले लेते हैं तो वो दूसरी स्थिति होती है। लेकिन यदि वो संबंध नहीं होता लेते हैं, संबंध तामील नहीं होता है, वहां पे संबंध सर्विस नहीं होता है, तो उस स्थिति में कोर्ट फिर दोबारा उसको संबंध तामील करवाने के लिए बोलती है। फिर दोबारा वही प्रोसेस, दोबारा फिर से पीएफ फाइल करना पड़ेगा और फिर दोबारा संबंध बनता है, फिर उसको विपक्षी पार्टी के यहां संबंध जाता है। यदि दोबारा भी नहीं लिया जाता है तो फिर कोर्ट के द्वारा, अब कोर्ट पे माइंड पे डिपेंड करता है कि कोर्ट फिर आगे क्या करेगा। कोर्ट हो सकता है तिबारा उसको संबंध भेजवाए, लेकिन ज्यादा केस में तीसरे बार संबंध नहीं भेजवाता है। कोर्ट क्या करती है, पब्लिकेशन के लिए ऑर्डर कर देती है। पब्लिकेशन मतलब कि लोकल न्यूज पेपर में पब्लिश करवाती है। लोकल न्यूज पेपर में पब्लिश करवाने के बाद कोर्ट यह मानती है कि यह संबंध तामील माना गया, और इसके बाद वो कोर्ट एक पक्ष आदेश जारी कर देती है। फिर जो व्यक्ति सूट डाला है वो व्यक्ति जो है कोर्ट के साथ अपना आर्ग्यूमेंट करता है, एविडेंस करता है और अपना डिक्री लेता है। यदि कोर्ट को साबित कर देता है कि जिस चीज के लिए मैंने सूट फाइल किया है वो इनके फेवर में साबित हो जाता है, तो इसके बाद कोर्ट इनके फेवर में डिक्री कर देती है। अब बात आती है कि कोर्ट यदि समन भेजती है और समन सर्विस हो जाता है, फिर भी पार्टी यदि कोर्ट में नहीं आता है तो उस स्थिति में क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि कोर्ट के द्वारा संबंध भेजा गया है और संबंध तामील हो जाता है, संबंध जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो उस व्यक्ति के द्वारा संबंध ले लिया जाता है, फिर भी पार्टी यदि कोर्ट में नहीं आता है तो पार्ट में उस स्थिति में क्या होता है कि उस पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर इशू हो जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। फिर एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद वही प्रक्रियाएं होती है जो पब्लिकेशन के बाद होता है, मतलब कि आपको जज साहब को साबित करना पड़ेगा, यानी आप मतलब जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है, प्लेंट फाइल किया है, केस फाइल किया है, उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि आपने जो सूट फाइल किया है वो आपके पक्ष में है। आप उसके लिए पूरे एविडेंस की जुटाएंगे, एविडेंस वहां पे दिखाएंगे, मतलब जो प्रोसीजर है, जो आप विपक्षी पार्टी के द्वारा जिस प्रोसीजर को करते हैं उसके आगे, वो आप जज साहब के साथ करेंगे। जज साहब को ये चीज आपको बताना पड़ेगा। यदि जज साहब इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आपके फेवर में डिक्री दे देते हैं। तो ये सारे प्रक्रियाएं होती है कोर्ट में संबंध भेजने से लेकर एक्स पार्टी ऑर्डर तक का। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।